नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी, हाईटेक बनेगा बिहार का एसटीएफ। टॉपर्स के मामले में सिमुलतला स्कूल ने फिर मारी बाजी, रुपेश सिंह मामले के तीसरे आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री आज करेंगे मीटिंग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड के रिजल्ट में पूजा कुमारी समेत दो अन्य बने टॉपर। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कुल मिलाकर 78.17% छात्र सफल हुए हैं। वहीं इस बार की परीक्षा में जमुई की पूजा और रोहतास के संदीप के साथ साथ शुभदर्शनी टॉपर रही हैं। इन तीनों छात्रों को परीक्षा में 96.08% अंक प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार टॉप 10 छात्रों में कुल मिलाकर 101 छात्रों को जगह पाने में सफलता मिली है। यह आंकड़ा साल 2020 में मात्र 41 छात्रों का ही रहा। हालांकि इस बार आए परिणाम पिछले साल के मुकाबले थोड़े नीचे दर्ज किए गए हैं। पीएफसीएल में असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर समेत कई पदों पर निकाली गई भर्ती। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर समेत कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके 23 अप्रैल तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी ऑफिसर मैनेजर समेत कई पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। हालांकि शैक्षणिक योग्यता संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.pfcapps.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। मधुबनी के उग्रनाथ महादेव में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में घूमने फिरने की जगह की कोई कमी नहीं है। समय समय पर बिहार में पर्यटन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी कई बदलाव करती रही है। इसी बीच आज हम आपको बिहार के एक और पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे। मिथिलांचल का अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक यह मंदिर पंडौल प्रखंड के भवानीपुर गांव में स्थित है। कहा जाता है कि मैथिली के महान कवि विद्यापति से यह मंदिर जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार विद्यापति शिव के इतने अनन्य भक्त थे कि स्वयं शिव ही उगना बनकर उनकी सेवा करने लगे थे। टॉपर्स के मामले में सिमुलतला स्कूल ने फिर मारी बाजी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीते दिन 10वीं के परिणाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से टॉपर्स की फैक्ट्री के नाम से मशहूर सिमुलतला हाई स्कूल ने बाजी मार दी है। स्कूल के विद्यार्थियों ने साल 2015 से लगातार बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप 10 में जगह बनाई है। वहीं इस साल भी बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में सिमुलतला के 13 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी स्कूल ने कई बार अपने नाम नए रिकॉर्ड्स को दर्ज किया है। 2018 और 19 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के टॉप 10 में स्कूल के 16 विद्यार्थी शामिल हुए थे। साल 2018 में टॉप 3 स्थानों पर तो साल 2019 में पहले 5 स्थानों पर सिमुलतला स्कूल का ही कब्जा रहा था। इनकम टैक्स की छूट पा रहे ट्रस्ट सोसाइटी का फिर से किया जाएगा आंकलन। बिहार के वैसे ट्रस्ट सोसाइटी या फिर ऐसे सभी संस्थान जिन्हें अभी तक अपनी आय प्रदर्शित करने और इनकम टैक्स देने में छूट मिली थी, उनका फिर आकलन किया जाएगा। यह आंकलन अब बिहार के सभी तरह के चैरिटेबल और धार्मिक संस्थानों पर भी लागू होगा जिन्हें जनसेवा या अन्य तरह की सेवाओं के नाम पर आयकर देने से छूट मिली हुई है। इसके तहत आयकर विभाग इनके कार्यप्रणाली और इनकम की जांच करेगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि इन्हें टैक्स देने या अपनी इनकम प्रदर्शित करने की छूट दी जाएगी या नहीं। इसके लिए सभी संबंधित संस्थानों को 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी संस्थान निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद रद्द मान लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के 10,000 संस्थानों को आयकर विभाग से टैक्स देने में छूट मिली है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री आज करेंगे मीटिंग। देशभर समेत बिहार में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि पिछले बार की तुलना में इस बार का कोरोना ज्यादा घातक नजर आ रहा है और काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। प्रत्यय अमृत ने आगे अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से स्थिति अनियंत्रित हो गई है, ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। राज्य में पैक्स सदस्यों की संख्या बढ़कर हुई 1.20 करोड़। बिहार सरकार द्वारा पैक्स की सदस्यता से वंचित परिवार के सदस्यों को सदस्यता दिलाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके तहत राज्य में कई नए पैक्स सदस्यों को सहकारिता विभाग ने जोड़ा है, ताकि विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 4.5 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं और इसके तहत अब राज्य में 8,463 पैक्स में 1.25 करोड़ सदस्य हो चुके हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी 36 लाख के करीब है। इसके अलावा इन सभी पैक्सों का चरणवार तरीके से कंप्यूटरीकरण भी किया जाना है। सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.cooperative.bih.nic.in के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन पर पैक्स का सदस्य बन सकता है।
रुपेश सिंह मामले के तीसरे आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। पटना में इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह मामले में तीसरे आरोपी पुष्कर ने बीते दिन सरेंडर कर दिया है। तीसरे आरोपी पुष्कर ने खुद ही पटना सिविल कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। वहीं अब इस मामले में पुलिस को चौथे आरोपी की तलाश है। बता दें कि 12 जनवरी को हुई इस चर्चित मामले ने सियासी महकमे में हलचल मचा दी थी। इस मामले में पुलिस ने ऋतुराज समेत एक अन्य आरोपी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। वहीं अब तीसरे आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके बाद अब पुलिस इससे पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। हाईटेक बनेगा बिहार का एसटीएफ। बिहार का एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को अब बिहार सरकार हाईटेक बनाने जा रही है। इसके तहत बिहार पुलिस अपने स्पेशल टास्क फोर्स के लिए सैटेलाइट फोन खरीद रही है। यह सैटेलाइट बीएसएनएल से खरीदा जाएगा। इसकी मदद से दूरदराज के इलाके में अभियान के दौरान जवान किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी कमांड से संपर्क में रहेंगे। इस सैटेलाइट फोन की यह खासियत है कि इसके लिए टावर या किसी तरह के दूसरे नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में यह फोन कहीं भी काम कर सकता है। बिहार पुलिस ने फिलहाल 7 सैटेलाइट फोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। बता दें कि एक सैटेलाइट फोन की कीमत 1,00,000 से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है बेड की व्यवस्था। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, जिसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और जो कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल संक्रमण में कमी आने के बाद बंद हो गए थे, उन्हें अब फिर से शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर पटना के सिविल सर्जन विभा कुमारी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से संक्रमण के मामले तेजी बढ़ रहे, राजधानी पटना के सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। 30 अप्रैल तक करनी होगी मॉनसून की तैयारी। राज्य के सभी नगर निकायों को पटना के तर्ज पर ही 30 अप्रैल तक मॉनसून पूर्व सारी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग पटना सहित सभी नगर निकायों के लिए जल्द ही एसओपी जारी करने वाली है। इसके तहत नगर निकायों को सभी नालों से अतिक्रमण हटाकर उड़ाही पूरी कर लेनी है। इसके अलावा ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों को पूरी तरह से तैयार करना, बड़े नालों तक मोहल्लों से पानी निकलने की व्यवस्था करना है और जिन इलाकों में पानी का जमाव हर बार होता है वहां से पानी निकालने की व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से मोटर लगाने आदि की व्यवस्था करने का काम भी प्राथमिक तौर पर अप्रैल महीने के अंत तक पूरा करना होगा। नीतीश कुमार सरकार ने पौधे लगाने का जारी किया रिकॉर्ड। बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है। सरकार ने इस मिशन को मिशन 5.0 नाम दिया है। वहीं इसको लेकर सरकार ने हर साल करोड़ों की तादाद में पौधे लगाने का लक्ष्य भी तय किया है। इसको ध्यान में रखते हुए ही जून महीने में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर 64 जिलों में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसके तहत ही अब जून महीने से बिहार में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से शुरू होने वाले इस अभियान में सरकारी और गैर सरकारी संगठन की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया जाएगा। वॉल पेंटिंग के जरिए युवा बता रहे हैं स्वच्छता के महत्व को। बिहार के दरभंगा जिले में युवाओं की एक टोली अनोखे ढंग से स्वच्छता के महत्व को लोगों तक पहुंचा रही है। युवाओं की इस टोली ने टीम ग्रीन दरभंगा नाम से मुहिम शुरू की है, जिसके तहत शहर की सूरत बदलने के लिए यह टीम दीवारों पर पेंटिंग कर रही है। इस टीम में स्नातक और इंटर के विद्यार्थी हैं, जो शहर की उन जगहों पर पेंटिंग्स बनाते हैं जहां लोग कूड़ा कचरा या गंदगी फैलाते हैं। इसके साथ ही ये लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। खास बात यह है कि इस टीम के सदस्य बिना किसी सरकारी मदद के अपने जेब खर्च और कोचिंग पढ़ाकर मिलने वाले पैसों से पेंट ब्रश आदि का खर्च उठाते हैं। इस काम के लिए पूरी टीम को नगर निगम के द्वारा जनवरी में सम्मानित भी किया जा चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुलेगा मेगा फूड पार्क। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से बनने वाले मेगा फूड पार्क को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट में 5,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस संबंध में घोषणा जारी करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस पार्क पर 100 करोड़ रुपए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 300 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले फूड इंडस्ट्री पर खर्च किए जाएंगे। यह मेगा फूड पार्क बियाडा की 78 एकड़ जमीन पर बनेगा। वहीं इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। भागलपुर में उगाए जाएंगे बिना मिट्टी के घास। बिहार के भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अनोखे घास को उगाने की तैयारी में है, जो बिना मिट्टी के उगाया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिक ने एक ऐसी पहल की खोज की है, जिसके माध्यम से बिना मिट्टी के फल सब्जी और हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है और इस विधि को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। इसके तहत हरा चारा उत्पादन के लिए BAU सबौर में प्लांट लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से भागलपुर के अलावा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य जिलों के महाविद्यालय से संबंधित किसान या उद्यमी प्रशिक्षण लेंगे और इससे उन पशुपालकों को फायदा मिलेगा जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और हरे चारे के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है।
मंत्री श्रवण कुमार ने 14 लाख शौचालयों में गड़बड़ी होने की कही बात। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है, जिसके तहत खुद विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसे उजागर किया है। इसको लेकर मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि राज्य में अब तक 14 लाख शौचालयों के नाम पर गड़बड़ियों को पकड़ा गया है, जिसके तहत अब इनमें जो भी शामिल है उनको नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें, बीते दिन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति को लेकर जानकारी दी है। मधुबनी में हुए वाकया को लेकर पवन सिंह ने जारी किया बयान। बिहार के मधुबनी जिले में होली के दिन जहां सभी लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं एक परिवार के लिए इस साल का होली मातम भरा रहा, जहां एक ही घर के 5 लोगों की जान ले ली गई, जिसके बाद से बिहार सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही है। इसी क्रम में बिहार के मधुबनी जिले में हुए वाकया को लेकर अब जाने माने सिंगर पवन सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस कदर की घटना दूसरे परिवार के साथ ना दोहराई जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूं। मैं इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हूं और जल्द ही उनसे मिलने भी जाऊंगा। प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। बीते दिन देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती दिवस थी। कोरोना के कारण सीएम नीतीश कुमार ने अपने सीएम आवास पर ही जगजीवन राम के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य उदय कांत मिश्र भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इस मौके पर किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। बता दें कि बाबू जगजीवन राम बिहार के सासाराम क्षेत्र से 8 बार चुनकर देश की संसद में पहुंचे थे। उन्हें उस समय के दलितों और पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। वो अपने जीवन काल में केंद्र के विभिन्न कांग्रेस सरकारों में मंत्री के पद पर रहे, वहीं आपातकाल के बाद वो जनसंघ में शामिल हो गए थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। राजकुमार खुसरो ने 1606 में अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ आज ही के दिन बगावत की थी। भारत के तैराक मिहिर सेन ने 1966 में पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार किया था। भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 1980 में आज के दिन स्थापना हुई थी। भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और भारत दौरे पर आए अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर ने 2010 में आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर आज के दिन किया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान का 1886 में जन्म आज के दिन हुआ। राजनीतिज्ञ प्यारेलाल खंडेलवाल का 1929 में जन्म आज के दिन हुआ। सिख धर्मगुरु हरकृष्ण का 1664 में आज के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। प्रसिद्ध हिंदी सेवी और प्रकाशक महाशय राज्यपाल का 1929 में आज के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली थी। ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद भी वाहन चालकों का लाइसेंस नहीं होगा कैंसिल। जल्द ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस का इनबाउंड नहीं कर सकेगी। आने वाले समय में अब सिर्फ ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह ट्रैफिक नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए इनबाउंड करने का भी नियम लागू हुआ है। यानी कि अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस चालक का लाइसेंस जब्त कर संबंधित ट्रैफिक कार्यालय में जमा करा देती थी। 3 महीने पूरे हो जाने के बाद आपका लाइसेंस वापस मिलता है, मगर अब सिर्फ जुर्माना लिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश के खिलाफ कोचिंग स्टूडेंट्स ने मचाया उत्पात। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जिसके बाद बिहार सरकार ने एक बार फिर से सभी शिक्षण संस्थानों पर ताला लगाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके खिलाफ ही कोचिंग संस्थान के छात्रों ने सड़क पर तोड़फोड़ कर दिया। इसके साथ ही छात्रों का उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई छात्रों ने कई वाहनों के शीशे तक फोड़ डाले। साथ ही सभी छात्र जिला समाहरणालय और कोर्ट के बाहर पहुंचकर वहां भी उपद्रव करते देखे गए, जिसके बाद पुलिस को बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। आईपीएल को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिली हरी झंडी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले आने के बावजूद मुंबई में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर हरी झंडी मिल गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि मुंबई में आईपीएल मैच का आयोजन बिना किसी रुकावट के होगा। महाराष्ट्र सरकार ने हालांकि इसको लेकर साफ कर दिया है कि मैच में दर्शकों को मैदान में जाने की अनुमति हालांकि अभी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आईपीएल मैच के आयोजन को लेकर स्थिति साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल के आयोजन को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन इसका आयोजन नियमों के साथ किया जाएगा। जेनिफर विंगेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती है। इसी क्रम में एक बार फिर से जेनिफर विंगेट ने एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का पारा बढ़ गया है। जिसके तहत जेनिफर विंगेट का लेटेस्ट फोटोशूट इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बेहद ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जेनिफर के फोटोज काफी पसंद किए जा रहे हैं। उन्होंने फैन से पूछा है कि कितना हॉट है, इस पर मजेदार जवाब मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेनिफर ने 2 तस्वीरों को पोस्ट किया है।
व्हाट्सएप पर जल्दी आ रहे हैं कई सारे नए फीचर्स। व्हाट्सएप पर जल्दी नए फीचर्स को रोल किया जाना है। इसमें डेस्कटॉप ऐप के लिए वीडियो और वॉइस कॉल सपोर्ट शामिल है। अब कंपनी कुछ नए फीचर पर भी काम कर रही है। नए फीचर आ जाने के बाद आप व्हाट्सएप का रंग बदल पाएंगे, साथ ही इस पर इंस्टाग्राम रील्स वीडियोज भी देख पाएंगे। WA बीटा इन्फो ने इसके कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिससे पता लगता है कि नए फीचर यूजर को चैट बॉक्स में कलर्स बदलने का मौका देंगे। इसके साथ ही टेक्स्ट का कलर फ्लोरोसेंट ग्रीन किया जा सकेगा। फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है। 8 से हमसफर ट्रेन की होगी शुरुआत। 8 अप्रैल से हमसफर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि भागलपुर के रास्ते गोंडा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने जा रही पहली हमसफर एक्सप्रेस का राइट भागलपुर पहुंचा दिया गया है। 21 कोच वाली इस ट्रेन के रखरखाव की जिम्मेदारी भागलपुर कैरिज एंड वेगन विभाग को दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार हमसफर एक्सप्रेस भागलपुर नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस के समय पर ठहराव पर ही चलेगी। हमसफर एक्सप्रेस गोंडा हंसडीहा भागलपुर क्यूल गया पंडित दीनदयाल जंक्शन के रास्ते जाएगी। भागलपुर से यह सोमवार को और आनंद विहार टर्मिनल से मंगलवार को चलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बम्बम कुमार, रोशन कुमार, रविंद्र पासवान, रमिता दास, भूपेश मिश्र, राकेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार, साहिल कुमार, शंकर मुखिया, असलम राज, अंजन कुमार, विक्रम शाह, अंजन कुमार, अजय कुमार, अमरजीत कुमार, मृत्युंजय कुमार, धर्मपाल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे थे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार बोर्ड के मैट्रिक परिणाम में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।